नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 6। यहाँ पर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द कोर डिजाइन। देखिए कोर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोर। टू अंडरस्टैंड द कोर, मान लीजिए कि यू हैव टू क्रिएट अ हॉलो कास्टिंग। कोर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू क्रिएट एन हॉलो ऑब्जेक्ट और अ हॉलो कास्टिंग। यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक अ सिलेंडर विच इज हॉलो। हॉलो सिलेंडर आपको बनाना है कास्टिंग की हेल्प से। तो देखिए हॉलो सिलेंडर कैसे बन सकता है, वो कोर की हेल्प से बन सकता है। कोर क्या होता है, कोर एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए ये है हमारा सिलेंडर जो कि फ्रंट व्यू है सिलेंडर का। तो बीच में हमें ये चाहिए, इतना पार्ट कैसा हो, हॉलो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोर की हेल्प लेंगे। कोर कैसे होगा, मान लीजिए अभी आपको मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। कोर बॉक्स बना के दिखा देते हैं आपको। कोर बॉक्स क्या होता है, देखिए ऐसा कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है। ये है हमारा कोर का बॉक्स। यहां पर ये जो अंदर आपको दिख रहा है, ये जो है हमारी इतनी पार्ट, यहां पर इसके लेंथ के अलोंग ये जो है वो है मेरा कोर बॉक्स। और इस लेंथ के अलोंग हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि सिलेंड्रिकल होगा, वो इतनी जगह को कवर करके रखेगा। और जो भी हमारा मोल्डन मटेरियल आएगा वो चाहे तो यहां पर आकर के सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप कोर को मतलब कि इतने मटेरियल को बाहर निकाल लीजिए और आपका ये हॉलो कास्टिंग बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए क्या होता है, इसमें कोर जो है वो ये जो अंदर लेंथ के अराउंड ये एक पूरा पूरा हॉलो ऑब्जेक्ट होगा। ये देख लीजिए, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से शेड भी कर देती हूँ। ये क्या होगा, कोर होगा। देखिए कोर किस मटेरियल से बनाया जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। कोर के लिए हमारे पास होती है कोर सैंड। अब ये जो कोर सैंड होती है वो उसमें क्या क्या मिला होता है या वो क्या चीजें होती हैं। कोर सैंड में हमारी माउल्डिंग, माउल्ड के लिए जो सैंड यूज करते हैं वो सैंड हो सकती है, माउल्डिंग सैंड होगी। प्लस इसमें कुछ ऑर्गेनिक बाइंडर हम लोग मिक्सअप कर देते हैं। ऑर्गेनिक बाइंडर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक बाइंडर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें से एक हो सकता है लिंसिड ऑयल या मोलासेस, डेक्स्ट्रिन। ये सब आपको इतना याद नहीं रखना है, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि इतने टाइप के ऑर्गेनिक बाइंडर हो सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, कोर की सैंड को बना लेंगे, उसके बाद आप एक कोर तैयार कर लेंगे। देखिए जब कोर होता है इसमें, इसके बारे में हमें कुछ जानना और भी होता है। ये है कि मान लीजिए ये मेरा माउल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउल्डिंग, और यहां पर ये माउल्डिंग सैंड हो गई इतनी, और बीच में आपने यहां पर कोर को फिट करा है। ये पिंक कलर से जो है वो आपका कोर है, ये है कोर, ये है आपकी मोल्डिंग। उसके बाद क्या होगा कि जो भी मोल्टन मटेरियल आएगा वो यहां पर मोल्टन मेटल जो आएगा वो यहां पर आकर के फिलअप करेगा। उसके बाद कोर की जो जगह होगी वो कोर ले लेगा, और जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो इतने पार्ट में इस मोल्टन मेटल का सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। बाद में आप माउल्डिंग सैंड को क्या कर सकते हैं, माउल्ड को आप तोड़ करके अलग कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो आपकी ये जो ब्लैक कलर से पार्ट दिखा रहे हैं वो आपका एक कास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। वो ये क्योंकि मोल्टन मेटल जो है वो किस स्टेट में है, वो अभी कैसे, वो लिक्विड स्टेट में है। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कुछ बॉयंसी फोर्स लगाएगा इस कोर के ऊपर। अब ये जो बॉयंसी फोर्स है इसकी वजह से कोर अपनी जगह से हिल सकता है, इट कैन बी मिसप्लेस्ड बाय इट्स प्लेस। तो अब वो अगर हिल सकता है तो उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अगर क्योंकि हिल गया तो जो आपकी कास्टिंग है वो कास्टिंग जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड कास्टिंग आपको नहीं मिलेगी। सो फॉर दैट रीजन वी आर मेकिंग यूज ऑफ टू थिंग्स। पहला होता है हमारा कोर प्रिंट और दूसरा होता है हमारा चैपलेट विच वी आर यूजिंग टू सपोर्ट द कोर, ताकि ये कोर जो है वो अपनी जगह से ना हिले। तो सबसे पहला है हमारा कोर प्रिंट्स। कोर प्रिंट्स, कोर प्रिंट्स आर द प्रोजेक्शंस इन द पैटर्न एंड रीसेस इनसाइड द कैविटी टू पोजीशन द कोर प्रॉपरली। देखिए ये कैसा दिखता है, जो आपका मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इतना यहां पर प्रोजेक्शन निकाल दिया जाता है। ये क्या है हमारा प्रोजेक्शन,
अब क्या होगा, इस प्रोजेक्शन में ही हम अपने कोर को क्या करेंगे, फिट कर देंगे। इस प्रोजेक्शन में ही हम अपने कोर को फिट कर देंगे। देख लीजिए आप, इतने जगह पे कोर को फिट कर देंगे। आप समझ सकते हैं, इस प्रोजेक्शन में अगर इतने पार्ट में इस कोर को फंसा दिया है तो आप कितना भी बॉयंसी फोर्स इसके ऊपर लगे, ये कोर अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब भी कोर होता है उसको लगाने के लिए यूजफुल होता है। जब भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोर होता है हमारा, फॉर दैट पर्पस हमारा प्रोजेक्शन और रिसेस को यूज किया जाता है। अब देखिए चैपलेट के बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा या कितना नेट फोर्स इस कोर के ऊपर लग रहा होगा। इसके ऊपर हमारे गेट में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखिए बॉयंसी फोर्स क्या होता है। बॉयंसी फोर्स ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमारा फ्लूड का पार्ट है। अगर आपने फ्लूड का आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉयंसी फोर्स आपको नहीं पता है तो आप नवीन सर का लेक्चर खोल सकते हैं, वहां पर उन्होंने समझाया होगा। पर यहां पर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। वो ये है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बॉयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मतलब कि जितना इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा कोर ने, उतना बॉयंसी फोर्स, उस वेट के बराबर का बॉयंसी फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो हमें देखिए नेट बॉयंसी फोर्स, नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द कोर, वो निकालना है। तो ये दो पार्ट में होगा। सबसे पहली पार्ट, तो जो ये मॉल्टन मेटल है अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा, एक तो वो हो गया, दूसरा इसका खुद का वेट भी होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नेट बॉयंसी फोर्स, नेट बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड माइनस, माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे वेट ऑफ द कोर, क्योंकि कोर का जितना वेट होगा वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा होगा और जो बॉयंसी फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो देखिए जो नेट बॉयंसी फोर्स है उसको अगर हम P से डिनोट कर दें तो इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड मेटल डिस्प्लेस, तो मतलब क्या होता है, रो ऑफ द लिक्विड मेटल वी वॉल्यूम ऑफ द कोर इंटू जी, माइनस रो ऑफ द कोर का मटीरियल इंटू वी इंटू जी। तो नेट जो फोर्स होगा वो होगा हमारा रो एम माइनस रो सी मल्टीप्लाई बाई वी इंटू जी। इतना नेट बॉयंसी फोर्स हमारे इस कोर के ऊपर लग रहा होगा। अब देखिए क्या है कि अगर, नेक्स्ट बात हम ये जान लेते हैं, अगर ये हमारा जो बॉयंसी फोर्स है ये जो लग रहा है, इस वाले फोर्स को बैलेंस नहीं किया गया तो कोर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कैसा कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा और जो हमारी कास्टिंग है जहां पर हमें होल मिलना चाहिए वहां पर होल मिलना बंद हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में यहां पर हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं इस चीज से बचने के लिए। पहला तो हमारा कोर प्रिंट ही है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। कोर प्रिंट में क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है जिसमें कोर को एक तरीके से फंसा देते हैं। दूसरा हमारा चैपलेट्स होते हैं। यहां पर मैंने कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स की डेफिनेशन भी लिखी है, कोर प्रिंट्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए वो क्या लिखा हुआ है। कोर प्रिंट्स आर प्रोजेक्शंस क्रिएटेड ऑन पैटर्न टू प्रोड्यूस रिसेस टू अकोमोडेट और पोजीशनिंग द कोर इनसाइड द रिसेस। हम क्या करते हैं, कोर को वहां पर फंसा टाइप का देते हैं या पोजीशन, जो पोजीशनिंग होती है कोर की वो वहां पर अकोमोडेट कर देते हैं। देखिए, और ये एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोर वर्टिकल पोजीशन में है देन वी डू नॉट नीड एनी कोर प्रिंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब वो वर्टिकल पोजीशन में है तो काहे बात का उसको हम यूज करेंगे, जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तभी हम उसको वहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट जो जुगाड़ है हमारा कोर को अपनी जगह पे पोजीशन करने का वो है हमारा चैपलेट। अब देखिए चैपलेट क्या है, चैपलेट आर द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द कैविटी टू पोजीशन द कोर प्रॉपरली। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो कि सपोर्ट करेगा। मैं यहां पर एक फिगर बना देती हूँ, उस फिगर से आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली में ये हो रहा होगा। देखिए मान लीजिए कि ये है हमारा, ये एक कटा हुआ पार्ट आपको दिखा रहे हैं, ये यहां पर ऐसा कुछ, अब देखिए ये क्या होगा। यहां पर मान लीजिए कि पिंक कलर से मैंने यहां पर कोर बनाया है, ये कोर है, ये बीच में कोर जो है वो लगा हुआ है। अब इसको मुझे सपोर्ट करवाना है तो देखिए क्या होगा,
कि आप उस ही मेटल का, जिस मेटल का आपका लिक्विड पोरिंग करनी है ना, उसी मेटल के दो सपोर्ट बना लीजिए। वो कैसे सपोर्ट, मान लीजिए यहां पर ऐसे करके ये पिन शेप में ये सपोर्ट मैंने बना दिए। ये जो मटेरियल है ये क्या है, ये चैपलेट है हमारे, ये क्या है चैपलेट, और ये क्या है मेरा कोर है। अब क्या होगा कि यही लिक्विड मेटल आप लाइए और यहां पर इसको फिलिंग कर लीजिए। अब ये जो चैपलेट है वो क्या करेगा, ये कोर को सपोर्ट भी कर रहा है। अब जब सॉलिडिफाई होगा आपका लिक्विड मेटल, तो जो चैपलेट है वो भी हमने सेम मेटल से बना रखा है जिस मेटल का हमारा लिक्विड मेटल है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चैपलेट विल बिकम द पार्ट ऑफ अवर कास्टिंग, तो उसकी हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसको उसी मटेरियल से बना रखा है। अब आपको ये याद रखना है कि जो चैपलेट है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर सपोर्ट का काम करता है और कोई काम नहीं है यहां पर चैपलेट का, क्योंकि क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है चिल्स, चैपलेट और पैडिंग को लेकर के। तो चिल्स और पैडिंग जो है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहां पर इतना याद रखिएगा कि जो चैपलेट है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का काम करता है। तो ये है हमारा कोर की डिजाइन। यहां पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि एक कोर है जिसको हम लगा रहे हैं, किसी लगा रहे हैं ताकि आप एक हॉलो कास्टिंग को क्रिएट कर सकें, और ये है हमारा नेट बॉयंसी फोर्स जो कि एक कोर के ऊपर लगता है, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। उसके पहले एक क्वेश्चन और है जो ऑलरेडी गेट में आया हुआ है, ये देख लीजिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। दिस क्वेश्चन हैज कम इन गेट 2008 पीआई प्रोडक्शन ब्रांच का जो पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन सैंड कास्टिंग ऑफ हॉलो पार्ट ध्यान दीजिए, लीव अ सिलेंड्रिकल कोर ऑफ डायमीटर, इतना लिख लेते हैं यहां पर, जो डायमीटर है वो 120 mm है, जो हाइट है कोर की h वो है 180 mm, इज प्लेस्ड इनसाइड द माउल्ड कैविटी, द डेंसिटीज ऑफ द कोर मटेरियल एंड द लीड आर इतना। तो मतलब कि डेंसिटी, मतलब कि रो c जो है आपका वो है 1600 kg पर मीटर क्यूब, और रो मेटल जो आपका या होगा वो दिया हुआ है इन्होंने 11300 kg पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। द नेट फोर्स ध्यान दीजिए यहां पर पूछा है, नेट फोर्स इन न्यूटन, देखिए गेट के पेपर में याद रखिएगा यूनिट्स का बहुत ज्यादा खास ध्यान देना है आपको, यूनिट ध्यान दीजिएगा कई बार न्यूटन किलो न्यूटन, अभी यहां पर तो ऑप्शन मैच करवाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ना तो कुछ जगह पूछा जब होता है किलो न्यूटन में तो बच्चे जाकर के न्यूटन में लगाए आते हैं या यूनिट में काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। दैट टेंड्स टू लिफ्ट द कोर ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल विल बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार देखिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू क्या, रो मेटल माइनस रो कोर मल्टीप्लाई बाई वी इंटू जी। तो देखिए रो मेटल कितना दिया हुआ है 11300 माइनस रो कोर है हमारा 1600, इसकी यूनिट क्या है एसआई यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, वॉल्यूम क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, मतलब कि 120 का स्क्वायर इंटू एच, मतलब कि कितना है हमारा एच 180। अब क्योंकि ये एमएम में दिया हुआ है तो ये भी एमएम में ये भी एमएम में, तो हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10^-9 से, क्योंकि 1 meter इज इक्वल टू 1000 mm होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 9.81। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कैलकुलेटर होगा, सॉल्व करिएगा तो आंसर आपको मिलेगा 19.7467 न्यूटन। तो आप देख लीजिए ये किस बात से मैच कर रहा है, 19.74 ये हमारा ए पार्ट से मैच कर रहा है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, ये है, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई ऑल्सो गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सेम तरह का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है माउल्डिंग सैंड। देखिए माउल्डिंग सैंड का सबसे पहले वी हैव टू सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले माउल्डिंग सैंड में हमारा सिलिका होता है, सिलिका जो है वो 70-85% होता है। उसके बाद हमारा इसी में होता है क्ले जो है वो 10-20% होता है। उसके बाद देर इज वॉटर जो है वो 2-8% तक हो सकता है, और उसके बाद देर विल बी सम एडिटिव्स, ऑब्वियसली एडिटिव्स भी होंगे जो कि 1-6% तक हो सकते हैं। देखिए जो सिलिका होता है,
सिलिका के अंदर कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, देयर इज नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन सिलिका। तो अब भैया सिलिका के अंदर अगर कोई बालू होती है उसके अंदर कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता तो आप मोल्ड बना ही कैसे सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्ले। क्ले क्या होता है? मिट्टी, वो पाउडरी फॉर्म में होती है। क्ले को हम सिलिका से मिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद वी आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज 2-8%। आगे हम इसमें और भी थोड़ा सा देखेंगे वाटर के बारे में। वाटर क्या करता है? वाटर H2O इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द बाउंडिंग कैपेसिटी ऑफ द क्ले। उसके बाद क्या होता है, क्ले चिपक जाती है हमारे किसके ऊपर, सिलिका पार्टिकल्स के ऊपर, और फिर क्या होता है उन लोगों के बीच में बाउंडिंग क्रिएट होने लग जाती है। देखिए क्या है, सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। यहां बना लेते हैं थोड़ा सा, सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा काफी बड़े होते हैं जो क्ले होता है, और जो सिलिका के पार्टिकल्स जो हैं अगर बड़े होंगे तो ऑब्वियस ही बात है इसमें छोटी छोटी कैविटीज होंगी, कैविटीज प्रेजेंट होंगी, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैविटी रिप्रेजेंट करेगी हमारी पोरोसिटी। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्ले है, क्ले का पार्टिकल जो होता है ना, ये हमारा सिलिका है। जो क्ले होता है ना वो छोटा पार्टिकल होता है, छोटू छोटू सा पार्टिकल होता है क्ले का। थोड़ी देर में क्या होगा, जब आप क्ले और सिलिका को मिक्सअप करेंगे तो जो क्ले है वो जाकर के सिलिका की जो होल्स है उसमें जाकर के बैठ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप इसमें वाटर मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे तो क्ले का जो है हमारी बॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और क्ले जाकर के चिपक जाएगा सिलिका के ऊपर और दोनों जाकर के बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद आप उसका क्या बना सकते हैं, माउल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ माउल्डिंग सैंड पढ़ते जाएंगे, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ माउल्डिंग सैंड देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे माउल्डिंग सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है? देखिए रिफ्रैक्टिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड टू विद स्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल विदाउट फ्यूजन। देखिए क्या हो रहा है कि जो लिक्विड मेटल है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में पोरिंग की जा रही है। अब जैसे आप आयरन के लिए मैंने बता दिया है, आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1560 डिग्री सेल्सियस, अब वो 2000 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। अब ऐसे केस में अगर आपका माउल्डिंग सैंड है इतना हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं कर पाया तो वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो आपको एक बात यहां पर याद रखनी है, जो रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर है सैंड का वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए पोरिंग टेम्परेचर के। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी जो सैंड है, जो माउल्ड है, वो फ्यूज कर जाएगी और वहां पर आपका माउल्ड जो है वो खराब कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो रिफ्रेक्टिवनेस है जो माउल्डिंग सैंड की वो बहुत अच्छी चाहिए होगी। देखिए यहां पर हम लोग जो प्रॉपर्टीज माउल्डिंग सैंड के डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ईएस में और गेट में भी जो न्यूमेरिकल से अलग करके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिफ्रेक्टिवनेस रिक्वायर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रेक्टिवनेस रिक्वायर्ड होगी, जो सैंड का रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होना चाहिए पोरिंग टेम्परेचर से, अदरवाइज जो हमारी माउल्डिंग सैंड है वो क्या कर जाएगी, फ्यूज कर जाएगी और हमारा जो माउल्ड है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होती है। देखिए ये पहले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो माउल्ड होगा हमारा उसकी जो परमेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अगर माउल्ड के अंदर परमेबिलिटी नहीं होगी, देयर इजंट एनी स्पेस फॉर द गैसेस विच आर ट्रैप्ड इन द मोल्टन मेटल ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो क्या होगा, वहां पर वो गैस की वजह से गैसेस क्या होंगी, एंट्रैप्ड रह जाएंगी, और अगर एंट्रैप्ड रहेगी तो वहां पर आपका गैस डिफेक्ट मिलने लग जाएगा। तो देखिए क्या है, परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेस टू एस्केप इज कॉल्ड द परमेबिलिटी। देखिए परमेबिलिटी नंबर निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहां पर पहले से लिख दिया है, पी एन जो है वो है वी एच बाई पी ए टी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। अब भैया स्पेसिमेन क्या है देख लेते हैं। देखिए स्पेसिमेन यहां पर एक सिलेंडर है, देखिए यहां पर मैंने फ्रंट व्यू बनाया है सिलेंडर का, मान लीजिए दिस इज द हाइट, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लिया जाता है ताकि आप परमेबिलिटी नंबर यहां पर निकाल पाए। तो यहां पर देखिए मान लीजिए कि जो आपका गैस को पास करवाना है वो कुछ ऐसा पास करवाना है, तो देखिए एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लेते हैं, तो स्टैंडर्ड जो है उसके लिए हम 2000 सेंटीमीटर क्यूब का मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर यहां से पास हो रही है, कितनी 2000 मीटर क्यूब ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो यहां से पास हो रही है। एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ द स्पेसिमेन और ये नॉर्मली 2 इंचेस होती है, एच इक्वल टू डी
सॉरी फॉर द फिगर, आपको ये एच और डी बराबर दिख नहीं होंगे इस फिगर में, आप इसको थोड़ा सा डायमीटर्स का बढ़ा लीजिएगा, एच इक्वल टू डी होता है वो 2 इंचेस के बराबर होता है। अब 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में सेंटीमीटर अगर आप देखें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.08 सेंटीमीटर आएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज 5.08 सेंटीमीटर, और इस फॉर्मूले में आपको इसको सेंटीमीटर में ही पुट डाउन करना है, वॉल्यूम को आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही पुट डाउन करना है। नेक्स्ट पी इज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर, जो कि आपको किसमें डालना है, यूनिट्स यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट देख करके ही क्वेश्चन में डालना है, और इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ चुका है। एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यहाँ पर ये वो है जो कि होगा π/4d². टी इज द टाइम टेकन बाय द एयर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन इन मिनट्स, यहां पर यूनिट्स प्लीज काइंडली आप इसको याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट जो सेंटीमीटर में डालनी है, और ये जो टाइम है यहां पर वो हमें मिनट्स में डालना है। तो देखिए जो परमेबिलिटी नंबर है, यहां पर एक छोटी सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए जो पीएन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, ऑब्वियस ही बात है टाइम टेकन टू पास अगर ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी कम होगी, टाइम ज्यादा ले रहा है पास होने में परमेबिलिटी कम, टाइम अगर कम तो परमेबिलिटी ज्यादा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, आगे हमें क्या करना है। अच्छा थोड़ा सा यूनिट के यूनिट जो इसकी पीएन है ना उसका यूनिट भी देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। देखिए जो पीएन है यहाँ पे सबसे पहले वी एच बाई पी ए टी होता है, तो वी क्या है वॉल्यूम जिसका यूनिट है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, एच क्या है हाइट जिसकी यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, अपॉन जो हम प्रेशर ले रहे हैं वो किसमें ले रहे हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और टाइम जो है हमारा मिनट में होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो पीएन की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी सेंटीमीटर की पावर 4/ग्राम/मिनट। तो यहां पर आप इस तरीके से इसकी जो यूनिट है वो कैलकुलेट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे कि परमेबिलिटी का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ परमेबिलिटी विद परसेंटेज ऑफ वाटर। देखिए माउल्डिंग सैंड जो है उसमें क्या है हमारी सिलिका है और हमारा क्ले है, और ये पहले भी बता चुके हैं कि जो सिलिका है उसके अंदर कोई भी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, और जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है वो वाटर के डालने से एक्टिवेट हो जाती है। तो हमें कितना वाटर एक्चुअली में ऐड करना पड़ेगा और उस वाटर के ऐड करने से परमेबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगी वो हम लोग ग्राफ में बना लेते हैं, और ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेबिलिटी विद परसेंटेज ऑफ वाटर। यहां पर आपका परसेंटेज वाटर है, यहां पर आपकी परमेबिलिटी है। देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि इनिशियली क्या हो रहा है सिलिका पार्टिकल्स हैं जिसमें वॉइड प्रेजेंट होगा, उसके बाद उसमें आपने क्ले को मिक्स कर दिया है, तो क्ले क्या करेगा उन वॉइड्स को कवर कर लेगा। तो इनिशियली क्या होगा जब पानी नहीं है तो जो परमेबिलिटी है वो भी बहुत ही कम, 0 के आसपास ही होगी, थोड़ी बहुत रह गई होगी तो रह गई होगी। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट मानेंगे तो जितना भी सैंड के बीच में, सॉरी सैंड नहीं, सिलिका के बीच में जो वॉइड्स होगा दैट विल बी कंप्लीटली कवर्ड बाय अवर सैंड पार्टिकल्स, जो क्ले है, सॉरी नॉट द सैंड पार्टिकल्स, क्ले जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लेगा वॉइड्स जो भी अवेलेबल होंगे हमारे सिलिका में। उसके बाद क्या होगा जैसे ही आप वाटर को ऐड करेंगे वाटर विल गेट एडेड और जो क्ले है इट विल गेट स्टिक्ड टू द सिलिका सर्फेस और वो जाकर के सिलिका सर्फेस पे चिपकने लग जाएगी और जब अगर वो चिपकेगी तो वो थोड़ा सा वॉइड वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए यहां पे 2, 4, 5, 6, 8 मान लीजिए इसके बाद, उसके बाद 10 और इसके बाद 12। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ पानी ऐड होगा बढ़ता जाएगा तो कुछ 8% तक, 8% तक जो आपकी परमेबिलिटी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही पानी 8% से ज्यादा होता है तो जो स्टिक जितनी सिलिका के पार्टिकल्स में क्ले को स्टिक होना था वो स्टिक हो चुका है। उसके बाद वो जो वॉइड क्रिएट हुआ था ना उसमें पानी खुद आकर के बैठ जाएगा। अब जब पानी खुद आकर के बैठ गया तो वॉइड क्या हो जाएंगे और कम हो जाएगा और परमेबिलिटी कैसी हो जाएगी घटने लग जाएगी। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये परमेबिलिटी वर्सेस परसेंटेज ऑफ वाटर का ग्राफ है जिसमें की टिल 8% परमेबिलिटी इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेस। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों 8% के बाद डिक्रीज होती है, क्योंकि जो भी वॉइड क्रिएट होगा अगर उससे ज्यादा पानी आप मिला देते हो तो उस वॉइड में भी पानी जाकर के बैठ जाएगा और फाइनली आपकी परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी वहां पर।
ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा परमेबिलिटी वर्सेस परसेंटेज ऑफ वाटर का। अब देखिए एक बात और है कि जो ये स्टैंडर्ड स्पेसिमन लिया है और पीएन का जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला VH by PAT, तो ये तो आपको लगाना सीखना ही है। इसके साथ साथ एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो ये होता है PN is equal to 3007.2 upon T। और यहां पर अगर आप इस फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो जो आपका T होगा वो T इन सेकेंड्स में रखना है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर जो T रखा गया है वो किस में है, ये मिनट्स में है, यहां पर देख लीजिए। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो T है वो आपको सेकेंड्स में रखना है। उसके बाद चलिए वो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन जो कि कहां आया है, ये कब आया है, PI 2002 में आया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ माउल्डिंग सैंड वॉज डिटर्मिंड यूजिंग अ स्टैंडर्ड AFS सैंपल। अब देखिए ये स्टैंडर्ड सैंपल ले रहे हैं तो उसमें जो पिछली वाली वैल्यूज है ना वही वैल्यूज हमको क्या करनी है, यूज करनी है। बाई पासिंग 2000 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ गेज प्रेशर ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द टाइम टेकन फॉर द एयर टू एस्केप वॉज 1 मिनट, परमेबिलिटी नंबर आपको बताना है। तो भैया देख लीजिए जो परमेबिलिटी नंबर है वो क्या होता है, VH by PAT। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं, दूसरा आप दूसरा वाला जो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था 3000, कितना बताया था आपको 3007.2 by T, यहां पर जो T रखना है वो सेकेंड्स में रखना है। दोनों ही फॉर्मूलों से यूज करके हम आंसर निकालेंगे और दोनों में ही सेम आने वाला है। देखिए वॉल्यूम कितना है 2000, हाइट कितनी है, हाइट हमने बताया है पहले ही जो कितनी होनी चाहिए 5.08 होनी चाहिए, और डायमीटर H इक्वल टू D होता है, और स्टैंडर्ड जो स्पेसिमेन होता है वो उसका होता है 5.08 सेंटीमीटर, तो यहां पर डाल दीजिए 5.08 अपॉन प्रेशर, प्रेशर है हमारा 10, देख लीजिए यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और वही यूनिट हमें चाहिए होती है। एरिया क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी क्या है 5.08 का स्क्वायर। टाइम कितना है 1 मिनट, और मिनट में ही हमको डालना है यहां पर 1, आपके पास कैलकुलेटर होगा, जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर एज 50.12 जो कि मैच कर रहा है हमारा डी पार्ट से। आप डी पार्ट में इसमें आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देख लीजिए ये वाला जो फॉर्मूला है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर आपका आ जाएगा। यहां पर क्या करना है, अगर ये स्टैंडर्ड सैंपल यूज किया है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। 3007.2 डिवाइड बाई टाइम इन सेकेंड्स, तो यहां पर कितना था 1 मिनट था, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिएगा तो यहां पर भी आंसर आपका 50.12 ही आएगा जो कि डी पार्ट से आपका मैच कर जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जो पीआई में 2002 में आ चुका था 2 मार्क्स का। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएबिलिटी क्या होती है। फ्लोएबिलिटी काहे की, फ्लोएबिलिटी माउल्डिंग सैंड की, देखिए फ्लोएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द माउल्डिंग बॉक्स ड्यू टू रैमिंग फोर्स। देखिए रैमिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी माउल्डिंग सैंड है वो कॉर्नर्स कॉर्नर्स में भी जाकर के फिलअप हो जाए, अगर वो कॉर्नर्स में जाकर फिलअप नहीं होगी तो अगेन वही बात होगी कि हमारा जो माउल्ड होगा वो ठीक से क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो जो माउल्डिंग सैंड की फ्लोबिलिटी होती है वो भी परसेंटेज ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। देखिए थोड़ी से एनालिसिस करते हैं, यहां पर अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगेन फ्लोएबिलिटी वर्सेस परसेंटेज ऑफ वाटर का। यहां पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस ग्राफ को, क्योंकि इस ग्राफ में जो फ्लोएबिलिटी है और जो परमेबिलिटी है दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जब 0% वाटर होगा तो अगेन देर इज नो बॉन्डिंग, तो फ्लोएबिलिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी उस समय पर, जब पानी नहीं है कुछ बॉन्डिंग ही नहीं है, फ्लो करवाओ आराम से फ्लो कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाओगे तो बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, फ्लोएबिलिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्डिंग बढ़ेगी तो फ्लो करना बंद कर देगा वो वहां पर, और आफ्टर 8% विद वाटर सैंड के अंदर, अगर 8% से ज्यादा आपने कर दिया, 6% लेते हैं हम लोग, 6% से ज्यादा कर दिया, उसमें क्या होता है कि पानी के साथ साथ बहुत ही स्लरी बन जाएगी ना, बहुत ही ढीली सी, तो क्या होगा वो दोनों साथ साथ में वो कुछ ऐसा बनता है। और ये जो वाटर का परसेंटेज आता है वो आता है 6%। तो आप देखेंगे 0 से लेकर 6% में पहले फ्लोएबिलिटी घटी, उसके बाद फ्लोएबिलिटी बढ़ने लग गई। अब देखिए परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी, ये फ्लोएबिलिटी का ग्राफ है,
ये फ्लोबिलिटी की ग्राफ है। ऐसा हम परमेबिलिटी का ग्राफ भी इसी में बना के देख लेते हैं। देखिए परमेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, वो मैक्सिमम कहीं 8% पे होती है। मान लीजिए ये 8% है, ये जो लाइन है इसको खींच लेते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ये जो परमेबिलिटी है आपकी, इसका ग्राफ ये थोड़ा सा पीछे हो गया यार मतलब बनाने में, ये मैक्सिमम आप इसको खिसका लीजिए यहां पर, ये 8% है, ये है हमारा 8%। तो आप देखिए 6% से 8% के बीच में जो आपकी फ्लोबिलिटी है और जो आपकी परमेबिलिटी है, ये परमेबिलिटी है वो आपको ऑप्टिमम मिलेगी, क्योंकि आपको फ्लोबिलिटी भी चाहिए। अगर फ्लोबिलिटी ठीक नहीं हुई तब भी माउल्ड खराब हो जा रहा है, परमेबिलिटी ठीक नहीं हुई तो गैस एस्पिरेशन इफेक्ट हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गैसेस ट्रैप्ड रह जाएंगी तो भी आपका डिफेक्ट आने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वाटर हो ना वो 6% से 8% के बीच में हो, ताकि आपकी परमेबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाए आपको और आपको फ्लोबिलिटी भी बढ़िया से मिल जाए। अब देखिए इस ग्राफ को कई लोग भूल जाते हैं कि कैसे करना है ये फ्लोबिलिटी और परमेबिलिटी। तो यहां पे देखिए एक छोटा सा जुगाड़ है, फ्लोबिलिटी में W आता है तो ऊपर, परमेबिलिटी में M आता है तो नीचे, M ऐसे लिखते हैं ना, तो M नीचे फ्लोबिलिटी ऊपर, ये बढ़िया जुगाड़ है। ऐसे में आपको याद रहेगा कि फ्लोबिलिटी वाला ग्राफ ऐसा होता है और परमेबिलिटी में M होता है, M ऐसे लिखते हैं तो M परमेबिलिटी का नीचे वाला होता है, और ये 6% से 8% आप याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी फ्लोबिलिटी और परमेबिलिटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द माउल्डिंग सैंड। देखिए अब माउल्डिंग सैंड में हमारी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। कहे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, होगी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होगी, देखिए मान लीजिए अगर ये मेरा माउल्ड है तो अंदर क्या है भैया, अंदर तो मॉल्टन मेटल है ना, तो मॉल्टन मेटल क्या करेगा भाई, अगर जब ये फिलअप करेगा ना तो फोर्स लगाएगा, प्रेशर, प्रेशर। अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं अच्छा हुआ माउल्ड का, तो माउल्ड तो वहीं टूट के गिर जाएगा, तो मतलब ही क्या बना। तो हमें क्या करना है, टू रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी, कैविटी की शेप खराब हो जाएगा अगर ये जो मॉल्टन मेटल जो फोर्स या प्रेशर लगा रहा होगा, अगर उसकी स्ट्रेंथ ना अच्छी हुई तो। टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड टू विद स्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द माउल्ड सर्फेस मस्ट हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम तीन तरीके की सैंड होती है हमारी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक होती है ग्रीन सैंड, दूसरी होती है ड्राई सैंड, तीसरी होती है हॉट सैंड। अब देखिए ग्रीन सैंड का मतलब ये नहीं होता ग्रीन इन कलर, ये तो नॉर्मली आप यहां पर समझ लीजिए। ग्रीन सैंड का मतलब होता है कि अगर आपके माउल्डिंग सैंड में कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल है तो उस सैंड को हम कहते हैं ग्रीन सैंड। देखिए ऐसा है कि अगर उसमें मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो वो जो आपका माउल्डिंग होता है उसको तो बॉन्ड ही नहीं होगा ना, तो आपका माउल्ड तो क्रिएट होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपको मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए, 8%, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया 8% तक हमको चाहिए ताकि वो उसमें बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट हो पाए। तो ग्रीन सैंड वो सैंड होती है, माउल्डिंग सैंड इज हैविंग मॉइस्चर, देन इट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड। अब देखिए उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, मॉइस्चर होने के बाद क्या होगा, जब आप गर्मा गर्म बिल्कुल बढ़िया सा मॉल्टन मेटल को पोर करेंगे तो गर्मा गर्म मॉल्टन मेटल से कॉन्टेक्ट में आके जो सबसे पहले वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। जब वाटर इवेपोरेट कर गया तो वही ग्रीन सैंड किसमें कन्वर्ट हो गई, ड्राई सैंड में, ठीक है। अब जब सारा वाटर इवेपोरेट कर गया उसके बाद भी अगर आपके जो मॉल्टन मटेरियल है उसके पास भी अगर थोड़ी हीट और भी बाकी है तो क्या होगा, वो जो आपका माउल्ड है ना वो गर्म होने लग जाएगा और वही ड्राई सैंड जो क्या कहलाने लग जाएगी, हॉट सैंड। तो पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, बाय इवेपोरेटिंग मॉइस्चर ग्रीन सैंड विल बी कन्वर्टेड इंटू ड्राई सैंड और हॉट सैंड में, आफ्टर बिकमिंग सैंड ड्राई स्टिल लिक्विड मेटल इज हैविंग मोर हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सैंड एंड इट विल बिकम अ हॉट सैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड एंड हॉट सैंड। अब हम आ जाते हैं अपनी हार्डनेस पे। देखिए भैया हार्डनेस भी जरूरी है हमारे किसके लिए, मॉल्टन मेटल के लिए। हार्डनेस क्या है, सबसे पहले अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा ही होगा तो हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, सरफेस प्रॉपर्टी होती है। सरफेस प्रॉपर्टी हार्डनेस किसके किसके अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट एनी स्क्रैच और इंडेंटेशन। स्क्रैच क्या होता है, ऐसे मारना स्क्रैच होता है, तो सरफेस अगर आपका हार्ड नहीं है आप स्क्रैच मारोगे तो स्क्रैच अपना आसानी से क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि सरफेस की हार्डनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि इसलिए अगर हार्ड नहीं हुआ क्या होगा कि जो मॉल्टन मेटल है वो इरोजन होने लग जाएगा सरफेस में, और वो जो माउल्ड की सैंड है सिलिका है वो क्या करेगी,
मिक्सअप हो जाएगी हमारे माउल्डिंग सैंड के साथ और सॉरी माउल्डिंग मेटल के साथ, और फिर आपको जो आपकी कास्ट है ना उसमें सैंड के पार्टिकल्स मिलने लग जाएंगे। तो इस कारण से हमें जो हार्डनेस होती है वो भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर, हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी टू मिनिमाइज इरोजन एंड टू विद स्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाई लिक्विड मेटल ऑन द माउल्ड सर्फेस, माउल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशियंट हार्डनेस। देखिए क्या होता है, हार्डनेस जो नंबर होता है ना वो जीरो से लेके हंड्रेड तक सिग्निफाई किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, हार्डनेस अगर बढ़ेगी तो परमेबिलिटी घटेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास, देखिए सारी प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं अगर परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट तो पूरी परमेबिलिटी ले लो, नहीं नहीं हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लोएबिलिटी भी चाहिए, परमेबिलिटी भी चाहिए, हार्डनेस भी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए, कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमम प्रॉपर्टी ले लेंगे। देखिए क्या होता है, यहां पे पहले समझ लीजिए, अगर आपका हार्डनेस बढ़ा तो परमेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो देखिए ऐसा है, ये देखा गया था कि इफ द माउल्ड हार्डनेस नंबर इज ग्रेटर देन 80, अगर माउल्ड हार्डनेस नंबर 80 से ज्यादा है तो परमेबिलिटी क्या हो गई, माउल्ड की बहुत डिक्रीज हो गई। एंड इफ द माउल्ड हार्डनेस नंबर इज लेस देन 60 तो क्या हो रहा था कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी कास्टिंग की खराब हो जा रही थी। तो हमने क्या किया कि जो हार्डनेस नंबर है वो हमें ऑप्टिमम चाहिए, कितने से कितने तक, एवरेज जो है वो 60 से 80 तक चाहिए चाहिए। याद रखिएगा अगर 80 से ज्यादा बढ़ गया तो परमेबिलिटी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। अगर 60 से कम हो गया तो उसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, जो हार्डनेस नंबर है वो 60 से 80 तक होना चाहिए। तो दिस वॉज अबाउट द हार्डनेस। अब आगे देख लेते हैं, आगे दो प्रॉपर्टी और है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी एंड कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा एडहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिवनेस क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है बता देते हैं। देखिए जब भी बॉन्ड दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में होगा तो उसको हम कहते हैं एडहेसिव, और जब भी बॉन्ड जो है वो सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में होगा तो उसको कहते हैं कोहेसिव। तो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स क्या होगा, एडहेसिव प्रॉपर्टी। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल्स को क्या कहेंगे, कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं कि जो मोल्डिंग सैंड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के शुड बी हाई। क्यों हाई, देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी इजीनेस से आपका जो मोल्डिंग सैंड है हीट को अपने आप से कंडक्ट होने दे रहा है। देखिए सिंपल है भैया, अगर हीट कंडक्ट नहीं हुई तो आपकी जो मोल्टन मेटल है ना वो कभी सॉलिडिफाई नहीं होगा। अगर होगा तो पता चला एक कास्टिंग बनाई वो 10 दिन में सॉलिडिफाई होकर हो रही है तो उसका भी कोई फायदा है नहीं। तो हमें क्या चाहिए होगा, के जो है हमारा हाई होना चाहिए ताकि वो आराम से जल्दी निकाल पाए और हमारी जो कास्टिंग है वो सॉलिडिफाई हो पाए। दूसरा है हमारा लो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो कैसा होना चाहिए, शुड बी लो। अब भैया क्यों लो होना चाहिए, आप ही खुद ही सोच लो, जो डेल्टा एल सोम में आप पढ़े होंगे, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। ये डेल्टा क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अगर ये अल्फा बड़ा हो गया तो टेम्परेचर चेंज आएगा ना, मोल्टन मेटल कैसा है, हाई टेम्परेचर में, जो माउल्ड होगी कैविटी वो तो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर में रखा होगा। तो जैसे ही डेल्टा टी आया तो मोल्ड कैविटी खुद भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते रह जाएगी, फिर क्या होगा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अल्फा है दैट इज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो कम से कम हो, और जो के है वो हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कोलैप्सिबिलिटी। देखिए लिख लेते हैं क्या है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी देखिए फाइनली क्या है, जब मोल्टन मेटल आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, जब आपको कॉस्टिंग मिलेगी तो एट दैट टाइम क्या होगा, मोल्ड को आपको तोड़ के ही तो बाहर करना है, अलग करना है। तो अगर कोलैप्सिबिलिटी अच्छी नहीं हुई आपके मोल्ड की, ठीक ठाक नहीं हुई, तो आप फाइनली उसमें ज्यादा हैमरिंग या फोर्स लगाओगे तो अंदर कास्टिंग के भी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये आपका मोल्डिंग सैंड है, तो कोलैप्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, वो होता है हम सॉडस्ट, छोटू छोटू पार्टिकल होता है सॉडस्ट का, या वुडन का छिलका समझ रहे हैं क्या होगा, जैसे पेंसिल छीलते हैं ना छिलका निकलता है, या जो जहां पर कारपेंट्री का काम हो रहा होता है वहां पर लकड़ी का बुरादा जो छिलका होता है वो मिलता है। तो या तो सॉडस्ट ले लीजिए, ये जो पिंक है सॉडस्ट ले लीजिए, या आप वुडन छिलका ले लीजिए। अब वुडन छिलका मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हिंदी भी समझ लेते हैं हम लोग, छिलका लिख दिया, ठीक है मैसेज जैसे टाइप करते हैं। तो वुडन छिलका है वो, हम लोग इसको क्या करते हैं, मोल्डन सैंड में थोड़ा मिक्स करते हैं, फिर देखिए क्या होगा, आगे की कहानी समझ लेते हैं। जैसे ही गर्मा गर्म बढ़िया
मोल्टन मेटल जो है अंदर जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो सॉ डस्ट है या वुडन का छिलका है के जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, बर्न कर जाएंगे। अगर वो बर्न कर जाएंगे तो बर्न कर गए तो ऐश बन जाएंगे, ऐश बन जाएंगे तो उनके वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो भैया वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो गैस परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और जो गैस है आपकी वो एस्केप करेगी आसानी से। और अगर गैस एस्केप कर गई और वॉइड भी बन गए तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो कोलैप्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली आप अब तक समझ गए होंगे, बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें फायदा आपका ये हुआ है, फायदा ये हुआ है कि जो आपकी कोलैप्सिबिलिटी थी जब आपने माउल्ड बनाया और जब रैमिंग एमिंग की उस समय उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, बढ़िया थी। लेकिन जब हाई टेम्परेचर से मिला और जब सॉडस्ट बर्न हुई और ऐश बना, वॉइड फॉर्मेशन हुआ, तब जाकर के स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई। कब फाइनली स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, तो शुरू में स्ट्रेंथ आपके पास थी, बढ़िया थी, बाद में इसके जलने और बर्न और ऐश बनने के चक्कर में कोलैप्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो आपका जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल कर गई और जो आपकी कोलैप्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल कर गई। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहां पर कुछ एडिटिव्स भी हैं वो आपको याद रखने हैं, वो एडिटिव्स याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देती हूं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नंबर वन हमारा सॉडस्ट और वुड फ्लोर, ये किस लिए यूज होता है वो आपको याद रखना होगा, सॉडस्ट एंड वुड फ्लोर या वुडन छिलका, ये किस लिए होता है, ये कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है, कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज एंड परमेबिलिटी इंक्रीज के लिए यूज होता है। दूसरा है हमारा लिनसीड ऑयल, मोलासेस एंड डेक्सट्रिन, ये हमारा स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए यूज होता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए। और थर्ड कोल डस्ट, देखिए ऐसा है कोल डस्ट क्या है, जो कोयला है उसका बुरादा हो गया वो भी कई बार देखिए मिला दिया जाता है, तो इनिशियली क्या होगा परमेबिलिटी कम होगी, फिर क्या होगा हाई टेम्परेचर की वजह से जो कोयला होगा वो जल जाएगा, भैया कोयला जल गया तो परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी बढ़ गई और कोलैप्सिबिलिटी भी बढ़ गई। लेकिन ये तो करता ही करता है, लेकिन कोल्ड डस्ट का मेन काम जो होता है वो सर्फेस फिनिश का भी होता है, कि कोल्ड डस्ट जब बहुत चिकनी होती है तो सर्फेस फिनिश जो है वो बहुत बढ़िया क्रिएट करता है। तो आपको याद रखना है कोल्ड डस्ट वो किस लिए काम आ रही है, हमारी सर्फेस फिनिश के काम आ रही है। तो ये था हमारा लेक्चर 6 जहां पर हमने सारा मोल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी देख ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन, पोरिंग बेसिंग और स्प्रू को हम लोग डिजाइन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।